किसने रुकवाए कांग्रेस के टिकट। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। हाजिर हूं आपके सामने आज का मुद्दा लेकर। डंके की चोट पर सितंबर महीने में ही टिकट बांटने का दावा करने वाली हिमाचल कांग्रेस का आलम यह है कि अभी भी चुनाव लड़ने वाले एक तिहाई उम्मीदवारों पर फैसला नहीं हो पाया है। बड़ी बात यह है कि अब तक घोषित उम्मीदवारों के नाम पर ही पार्टी में कलह साफ दिख रही है। आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस पूरी लिस्ट जारी करने का हौसला नहीं जुटा पा रही, वह भी तब जबकि पर्चे दाखिल करने को अब गिने चुने दिन ही बाकी हैं। पूरा मामला समझने के लिए देखते हैं चर्चा। क्यों फंसी कांग्रेस के टिकट राजेश? पहली लिस्ट में जो चेहरे शामिल है कांग्रेस की, कल देर रात लिस्ट आई, बिल्कुल क्या प्रतिक्रिया है पहली आपके? बिल्कुल सही है। देखिए, कांग्रेस ने 46 जो चेहरों की जो सूची जारी की है उसको लेकर ये वही चेहरे अग्निहोत्री जी, जिनपे कमोवेश कहीं विरोध की एक तरह से उतना ज्यादा विरोध जिन चेहरों का नहीं था, और जो पहली ही सूची में कांग्रेस की जो चीजें क्लियर हो गई थी स्क्रीनिंग कमेटी से लेके केंद्रीय चुनाव समिति तक, ये चेहरे पहले से क्लियर थे, फिर इनको लेकर आगे एक तरह से वो सूची जब जारी की गई है। अब दूसरी सूची बहुत जल्द आने जा रही है कांग्रेस की, वो सूची है जहां कांग्रेस की जो असली चिंता है उन वहां जो चेहरे हैं उनको लेकर है। जी राजेश, बिल्कुल सही कहा, असली चिंता वहां है। लेकिन पहली लिस्ट आने के बाद भी राजेश जी, अगर हम देखें तो कांग्रेस में इन्हीं 46 चेहरों के घोषित होने के बाद विरोध का दौर शुरू हो गया है। बिल्कुल कुछ जानकारी है क्या इस पे? बिल्कुल सही है। देखिए, कांग्रेस के लिए जो 46 में से 5 जगह पे एक तरह से विरोध की चिंगारियां इन चेहरों को लेकर फूट पड़ी है अग्निहोत्री जी। सबसे पहले कुल्लू के बंजार की तरफ रुख करते हैं, जहां भाजपा से के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष खेमी राम ने जब कांग्रेस ज्वाइन की, उनको बंजार से कांग्रेस ने जब प्रत्याशी बना दिया, तो फिर आदित्य विक्रम सिंह ने जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं उन्होंने मोर्चा वहां खोल दिया है, इस्तीफा कांग्रेस से उन्होंने दे दिया है। अंडरकरंट भोरंज में भी एक तरह से है अग्निहोत्री जी, जहां पार्टी ने सुरेश कुमार पे दावेदारी जो जताई है, सुरेश कुमार की दावेदारी पे जो मोहर लगाई है, वहां थोड़ा सा जो प्रेम कौशल है उनके समर्थकों में एक तरह से निराशा हाथ लगी है। झंडूता के टिकट को लेकर विवेक कुमार को टिकट पार्टी ने जब फाइनल कर दिया, टिकट दे दिया, तो अब फिर बीरू राम किशोर ने बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करके पार्टी को एक जोरदार वहां झटका दिया है। पछाड़ चलते हैं, जहां देखिए सिरमौर के पछाड़ में दयाल प्यारी की उम्मीदवारी पे कांग्रेस ने मोहर लगाई है, वहां गंगूर राम मुसाफिर के समर्थक पूरी तरह से वहां बागी हो गए हैं। दूसरी तरफ शिमला के चौपाल की बात करें, रजनीश किमटा को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, तो सुभाष मंगलेट के तेवर जिस तरह के रहे हैं वो कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण होने जा रहे हैं। जी राजेश, बिल्कुल, और दर्शकों को बताएं कि ये तो हाल तब है जब 46 वो सीटें डिक्लेयर हुई है जो आसान समझी जा रही है, 22 के अभी राजेश नाम घोषित होने हैं। बिल्कुल, ये क्या वजह है, ये घोषित क्यों नहीं हो रहे हैं, कुछ अंदर खाते चला है क्या? बिल्कुल, बहुत अंदर खाते, बहुत सारा मंथन इन 22 सीटों पे चला है अग्निहोत्री जी, और 22 में से भी जो 4 सीटें हैं कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी टेंशन वो 4 सीटें बन रही हैं। किन्नौर है जहां जगत सिंह नेगी और वर्सेज निगम भंडारी का जो मुद्दा चला है, वहां युवा कांग्रेस, तमाम युवा कांग्रेस एक तरह से बागी वहां हो गई है। शिमला शहरी सीट पे पेंच फंसा हुआ, सहमति वहां बन नहीं पा रही है। सरकाघाट में यदुपति ठाकुर के साथ साथ सुरेश कुमार और इसके साथ जो रीला राम राव के समर्थक है, वहां पे जिस तरह का ट्रायंगल बन रहा है चिंता की बात पार्टी के लिए वो भी है। और भरमौर में एक वक्त तो ऐलान हो गया था ठाकुर सिंह भरमौरी के टिकट का, लेकिन जिस तरह से युवा जो कांग्रेस है उसने जब स्टैंड लिया तो उसके बाद फिर वो सीट भी होल्ड कर ली गई है। 4 सीटें महत्वपूर्ण ये सीटें हैं जिनको लेकर एक तरह से पार्टी की चिंता अभी तक भी, जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तब तक भी एक तरह से पार्टी जस की तस स्थितियां कांग्रेस के लिए बनी हुई है। राजेश, हम कल भी चर्चा कर रहे थे, एक वजह यह भी है, सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस की लिस्ट इसलिए अटकी हुई है कि भाजपा की पहले जारी होने, और भाजपा ने देखिए 62 सीटें अपनी डिक्लेयर कर दी है, कौन वहां पे लड़ेगा अगले सेगमेंट में वही चर्चा करने वाले हैं। लेकिन राजेश, कांग्रेस की ये पॉलिसी कुछ कामयाब होती दिख रही है जी, भाजपा से टूट के कुछ चेहरे कांग्रेस की झोली में जाते दिख रहे हैं। बिल्कुल, क्या जानकारी? बिल्कुल सही है। अभी आप ये देखिए कि देहरा से बीजेपी ने जब रविंदर रवि को टिकट नहीं दिया अग्निहोत्री जी, हालांकि अभी देहरा का बीजेपी ने डिसाइड टिकट नहीं किया है, और देहरा या ज्वालामुखी रविंदर रवि को लेकर चर्चाएं थी, लेकिन अब रविंदर रवि ने रुख कर लिया है राजधानी दिल्ली का, और दिल्ली अभी खबरें यही आ रही, हालांकि अपुष्ट खबरें हैं कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और कांग्रेस उनको सुलह विधानसभा क्षेत्र से टिकट देने जा रही है, लेकिन अपुष्ट है, पुष्टि अभी हुई नहीं है कांग्रेस ज्वाइन करने की, उनकी अटकलें एक तरह से लग गई है।
दूसरी तरफ देखें तो बहुत सारे ऐसे कई और क्षेत्र हैं जहां पार्टी के लिए सबसे बड़ी जो चिंता 22 सीटें हैं अग्निहोत्री जी, और 22 सीटें वो सीटें हैं जहां कई तरह कांग्रेस के ब्लॉक जो कमेटियां हैं वही मुकर हो रखी हैं, कहीं जगह कैंडिडेट जो दूसरे जो जिनको हाशिए पे धकेला जा रहा है उन्होंने एक तरह से मोर्चा खोल रखा है। तो वेट एंड वॉच की जो स्थिति है बीजेपी की तरफ जो कांग्रेस देख रही है, हालांकि लाभ मिलता हुआ कैसे दिख रहा है अगली बात है, लेकिन परिस्थितियां ये है कि अभी चिंता और टेंशन का माहौल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए। राजेश, मेरा अंतिम प्रश्न इस सेगमेंट में जल्दी से जरा जवाब चाहूंगा, जहां कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है जी, जी। और जहां पे विवाद भी नहीं है जी, वहां पे कुछ रोचक समीकरण है आपकी नजर में आ रहे? बिल्कुल सही है, देखिए बहुत सारे रोचक समीकरण होने जा रहे हैं कांग्रेस के लिहाज से। थोड़ा सा देखें तो बड़ी बात है, मंडी चलते हैं अग्निहोत्री जी, मंडी के द्रंग विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें, गुरु और चेला आमने सामने होंगे, बिल्कुल वहां कांग्रेस के लिए कौल सिंह ठाकुर है, तो फिर बीजेपी के लिए कौल सिंह ठाकुर के ही किसी वक्त शागिर्द रहे पूर्णचंद ठाकुर वहां पे वो प्रत्याशी होने जा रहे हैं। इसी तरह आप मंडी सदर की बात कर लें, वहां पे अनिल शर्मा के सामने कौल सिंह की बेटी चंपा ठाकुर, पिछली बार की तरह बिल्कुल जो पिछले बार जो था वही इस बार समीकरण बनने जा रहे हैं, गुहारमी में वही समीकरण है पिछले वाले, बड़सर पे अभी कांग्रेस का स्टैंड क्लियर हो गया, लेकिन बीजेपी में जिस तरह का माहौल है वहां से कौन कैंडिडेट आता है वो थोड़ा सा एक रोचक देखना होगा। बिलासपुर की बात कर लें, बिलासपुर में हमेशा से एक बाहर से चेहरा आता रहा है बीजेपी के लिए, बाहर से आ गया, कांग्रेस क्या बाहर से लाएगी या फिर बिलासपुर सदर के चेहरे पे विश्वास करेगी, ये तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं। जयसिंहपुर का भी कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पा रही है कि जिस तरह के नारेबाजी वहां पिछले दिनों हुई थी यादवेंद्र गोमा के पक्ष में, तो इस तरह का माहौल चल पड़ा है। नदौन से सुखविंदर सिंह सुक्खू की सीट पे बहुत सारे रोचक समीकरण सामने आने जा रहे हैं, तो जिस तरह का अभी तक जो सीटें सामने आई है रोचक इस बार जंग होने जा रही है, अलग हटके एक तरह से विधानसभा की सत्ता की लड़ाई होने जा रही है। बिल्कुल, और कांग्रेस देखिए तभी कदम फूंक फूंक के रख रही है राजेश, सही है। पहले कांग्रेस ने कहा था हम बहुत जल्दी कर देंगे, बिल्कुल अब भाजपा लगभग पूरे कर चुकी है, अगर 6 को छोड़ देंगे आप जी, पर कांग्रेस अभी अटकी हुई है, 22 लोगों को अभी संभाल के रखी हुई है, बिल्कुल वो एकदम से छोड़ने वाली है।